Hello students, very fresh good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your place. Okay students, let's start prayer. Join your hands, close your eyes. Om Bhurbhuvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodaya. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ शांति शांति शांतिः. रब योर पाम्स, प्लीज सिट ऑन योर आईज. नाउ स्लोली स्लोली ओपन योर आईज. Okay students, feeling fresh? Okay, myself is Mrs. Preksha Karya, your EBS teacher. Welcome to New Era Public School. Welcome to our EBS classes. Okay students, as we know, we have completed our syllabus and already started our revision. Okay students, so we have completed our revision up to question number 8. Question number 8. Okay, so question number 8 was, sorry, up to question number 7. And question number 7 was write two example for, means uske humne 14 tak complete kiya tha. Okay, 14 tak humne complete kiya tha. And 15 16 17 18 19 20, wo aapka homework tha. ओके, सो आई होप आपने होमवर्क अपना कर लिया होगा. एंड वन मोर होमवर्क वॉज क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द ऑड वन आउट. सर्कल द ऑड वन आउट. ओके, सो हम उसका आंसर चेक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट में तो मैंने आपको बताया था कि वॉक वो तो ऑड वन है. नेक्स्ट इज वाटर, सॉइल, एयर, फ्लावर. देखो, वाटर, सॉइल, एयर वो सब प्लांट्स के लिए ग्रो होने के लिए जरूरी है. फ्लावर, फ्लावर वो ग्रो होने के लिए जरूरी नहीं है प्लांट के लिए. सो सर्कल ऑन फ्लावर. पेन, पेपर, वाटर, बुक. पेन, पेपर, वाटर, बुक. तो पेन, पेपर और बुक वो एक कैटेगरी में आते हैं, वाटर अलग कैटेगरी में आता है. तो वाटर क्या है? ऑड है. इंसेक्ट्स है एंड डक है वो बर्ड है. तो सर्कल ऑन डक.
big animals है but cat है वो small है, so circle on cat. Pigeon, parrot, crow and ostrich. Pigeon, parrot, crow and ostrich. तो pigeon, parrot and crow वो क्या कर सकते हैं? Fly कर सकते हैं. Ostrich cannot fly. तो circle on ostrich. Butter, ghee, curd and juice. Butter, ghee, curd and juice. तो butter, ghee and curd क्या है? Food from animal है and juice वो food from plant होगा because for example ऑरेंज जूस बनाते होंगे या हम स्पिनेज का भी जूस कर सकते हैं, बिटर गार्ड का भी बॉटल गार्ड का भी हम जूस कर सकते हैं. तो वो सब क्या है? प्लांट्स फ्रॉम फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो सर्कल ऑन जूस. पिज्ज़ा बर्गर चिप्स एंड फ्रूट्स. सो पिज्ज़ा बर्गर एंड चिप्स क्या है? अनहेल्दी है. फ्रूट्स हेल्दी है. सो सर्कल ऑन फ्रूट्स. लायन टाइगर डियर डॉग. लायन टाइगर एंड डियर क्या है? वाइल्ड एनिमल है एंड डॉग डोमेस्टिक है. एंड लायन टाइगर एंड डियर क्या है? बिग है एंड डॉग स्मॉल है. सो सर्कल ऑन डॉग. बेंच बोर्ड टेबल एंड बेड. बेंच बोर्ड एंड टेबल कहाँ पर होता है? स्कूल में. बेड कहाँ पर होता है? घर पे. सो सर्कल ऑन बेड. कॉकरोच एंड फ्लाई एंड डॉग. तो उसमें से कौन आएगा? डॉग. डॉग क्या है? डॉग है बर्ड. एंड ये सब क्या है? ये है सब इंसेक्ट्स. ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. जो आपका होमवर्क था. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज करेक्ट इट. ओके, अगर आपका कोई आंसर गलत है तो प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए. ठीक है, और आपका जो होमवर्क था सीरियल्स, तो सीरियल्स के दो एग्जाम्पल्स पॉलिसीज. सीरियल्स में वीट और मेज, पॉलिसीज में ग्रैम और किडनी बीन्स. लिविंग थिंग्स में भी आप ह्यूमन एनिमल्स. फूड फ्रॉम प्लांट्स में आप लिख सकते हो शुगर कैन, वेजिटेबल्स. बर्ड्स दैट कैन, एनिमल्स दैट इट फ्लैश. एनिमल्स दैट इट फ्लैश तो वो आप लिख सकते हो टाइगर है, क्रॉ है. बर्ड्स दैट कैन स्विम तो डॉग एंड स्वान. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट, जो मैंने आपको जो आंसर अभी बताए हैं उसमें आपका आंसर मैच करता है देन वेरी गुड. अगर अदरवाइज आपका आंसर अभी रॉन्ग है तो प्लीज करेक्ट इट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट वन वर्ड फॉर. ओके, हमें ये जो दिया है उसका हमें वन वर्ड आंसर राइट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 8. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट क्या होते हैं? ट्रीज. क्या होते हैं? ट्रीज. ओके, सेकंड वन, द बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड विथ विच इट ईट्स. द बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड विथ विच इट ईट्स. द बर्ड किससे ईट करते हैं? विद देयर बीक. विद देयर बीक. तो सेकंड आंसर होगा around your area. Things you see
अराउंड योर एरिया. Part of the plant that takes food and water to all the other body parts.
एनिमल्स दैट हैव विंग्स एंड अ बीक, इसको हम क्या बोलेंगे? बर्ड. क्या बोलेंगे? बर्ड, जिसको विंग्स होती है फ्लाई करने के लिए और बीक होती है खाना खाने के लिए. वो क्या होगा? बर्ड्स. ओके. 15th इज अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. हॉर्स कहाँ पर रहते हैं? स्टेबल में. ओके, सो हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, डन एवरीवन. शैल आई स्टार्ट न्यू क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट. ओके, सो शैल आई राइट दिस? अभी तक हमने क्या किया? टिक मार्क किया, सर्कल किया, वन वर्ड राइट डाउन किया, मैच द फॉलोइंग किया, ये सब ट्रू और फॉल्स. ओके, नाउ वी हैव टू राइट फुल सेंटेंस बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई डू वी नीड फूड? तो हमें फूड किस लिए चाहिए? टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. सो आंसर नंबर 1 इज question is what are sense organs? What are sense organs? So sense organs kya hota hai beta? Answer number 3. Sense organs kya hota hai? Eyes, ears, nose, skin, tongue. Wo kya hota hai? Sense organs. So write down here. Ears, nose, tongue, and skin are
students, so here we have done question number 1, 2 and 3 of question number 9, answer in short, okay. Your homework for today is question number 4 and question number 5, okay. वो आपको फिर से राइट डाउन करना है, ओके. उसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी. अगर आपका इनकरेक्ट हो तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय.